और जी जब से हम घर से निकले थे उस टाइम से ही पतिदेव हमारे पीछे पड़ गए थे ये जानने के लिए कि आज तुम सैड क्यों लग रही हो, आज तो हम लड़ाई भी नमस्कार नहीं जी, किए तुम। कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रहे हमारे इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। जी अभी देख रहे होंगे यहाँ पर पूरी सेना चल रही है, किसी के हाथ में बैट है और मेरे हाथ में बॉल है। तो हम लोग गदा है, गदा है ये, वाह। तो हम लोग जा रहे हैं, पास का एक स्कूल है वहाँ पर जा करके हम लोग क्रिकेट खेलेंगे। मेरा हो चुका है लगभग 6 से 7 साल क्रिकेट छोड़ा हुआ, तो देखते हैं अब भी कुछ बचा है कि नहीं अंदर में खेलने का स्किल। बचा तो होना चाहिए, बचा होना चाहिए, वाह। और हम कह रहे थे कि मेरा हो गया है 7 साल क्रिकेट छोड़ा हुआ, ये भाई साहब कह रहे हैं, हमारी ससुर जी हैं जो ये कह रही कि हमारा 8 साल हुआ है क्रिकेट पकड़ा हुआ। और हम पहुंच गए हैं इस स्कूल, इस स्कूल में हम लोग को खेलना है अभी। और उधर लग रहा है कि सभी वॉलीबॉल खेल रहे हैं। A few moments later. मैच शुरू भी हो चुका है और पहला मैच जो हम लोग जीत भी चुके हैं। अब उसके बाद दूसरा इनिंग खेलते हैं और हम लोग का एक नियम रहता है, जो जीता वही सिकंदर, मतलब जो जीतेगा वही पहले बैटिंग करेगा। तो हमारी पहली बैटिंग आ गई है, तो जा रहे हैं बैटिंग करने। ये क्या बल्लेबाज कहाँ चल दिए, कोई बात नहीं, अच्छा खेला, ओवर हो गया क्या। हम जीत गए 2 मैच 2-0 से। ससुर जी क्या हाल समाचार है, इधर आइए, मुंह कहाँ छिपा रहे। ये देखिए हारने वाले का चेहरा, हारने वाले का चेहरा। अभी बच्चा पार्टी के साथ हमारा क्रिकेट गेम खत्म हो चुका है और अब हम घर की तरफ चल रहे हैं। यहाँ से फिर अब कटिहार के लिए भी निकलना है। काफ़ी अच्छा लगा, कई दिनों बाद खेले हैं, कई दिनों बाद क्या, कई सालों बाद खेले हैं और अच्छा खासा शरीर में गर्मी आ गया है। और कैसा लगा खेलने में, एकदम बकवास, एकदम घटिया। जो हारने वाले हैं वो क्या कहेंगे, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक। फिर जी क्रिकेट खेलने के कुछ ही देर बाद हम और जिया वहां से निकल लिए अपने घर की तरफ। हमारे साथ पापा जी भी आ गए, वो कहे कि बस स्टैंड में छोड़ देंगे तुम लोग को, बैठा करके विदा करके फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। और जी जब से हम घर से निकले थे उस टाइम से ही पतिदेव हमारे पीछे पड़ गए थे ये जानने के लिए कि आज तुम सैड क्यों लग रही हो, आज तो हम लड़ाई भी नहीं किए तुमसे, तो इनको कौन बताए कि मायके से आने के बाद। जी हमें तो सब पता था कि क्यों सैड है, लेकिन फिर भी पूछ रहे थे, थोड़ा अनजान बन रहे थे, सोच रहे थे कि इससे थोड़ा अच्छा फील हो जाए। अब इनको कौन बताए कि मायके से आने के बाद किसको अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है, देखो अनानास बैठ के खा रही है, कह रही है मायके से निकल के सैड हो, मजे से अनानास खा रही है कुर्सी पर। आप खिला रहे हो, ये देखिए जिया मायके से आकर कितनी खुश है, अपने ससुराल जा रही है। और जी एकदम मूड खराब था मेरा, ऊपर से पति देव इतना चिढ़ाए पूरी रास्ते भर हमको चिढ़ा के मेरा दिमाग खराब कर दिया। बहुत बढ़िया। Tomorrow. और आज जो है माँ जाने वाली है, तो माँ तैयार हो चुकी है और कुछ देर में माँ को लेकर के जाते हैं। फिर कब आना है, अभी कुछ पता नहीं है। हमारी मैडम चाय बना रही है, आ जा रही है, तुम आई कल और इधर माँ जा रही है। वैसे तो हम लोग रात में ही पूरे किचन की सफाई कर लेते हैं, लेकिन घर से आए थे तो बहुत लेट हो गया था और थोड़ा मन काम करने का कर भी नहीं रहा था, तो सुबह उठे तो जल्दी जल्दी से माँ को चाय बना के दे दिए, क्योंकि माँ को एकदम सुबह ही निकलना था तो उतने अच्छे से सफाई कर नहीं पाए, तो अभी घिस घिस के पूरा सफाई कर रहे हैं। हाँ जी, और ये जिया जो है अपने मायके में थी और 3-4 दिन तक देखे वहाँ कोई काम नहीं की, आराम से बैठी रही,
हाँ तो आराम नहीं करेंगे, मायके को क्यों जाता तो है? बहुत बढ़िया, वहाँ हाथ नहीं बटाएगी मम्मी जी का? तो थोड़ा बहुत किए, उतना नहीं किए जितना यहाँ करते हैं। कितना किए वो हम सब देखे हैं वहाँ पर। बहुत बढ़िया जी, हम आ गए हैं वर्कआउट करने। तो ये है कि छठ से दिवाली से लेकर छठ तक कुछ भी वर्कआउट नहीं किए, तो लग रहा है जितना एक्सरसाइज किए सब पानी भी चल गया है, पेट अच्छा खासा निकल गया है, वजन थोड़ा बढ़ गया है। अब और मेहनत करना पड़ेगा, छाली खाओ मलाई खाओ। अब छठ तो खत्म हो गया है, छठ खत्म होने के बाद अब उसका प्रसाद खाने की बारी है, अभी सारे प्रसाद को खत्म करना है। ये हमारा छीला हुआ यह, और अब इसको चल कर खाते हैं। डालना चाहिए था मिर्ची। अच्छा इसे सरसों तेल भी मिलाए हैं। कैसे अच्छा लगता है, क्या सब मस्त मजा आ रहा है, इतना जबरदस्त चीज। इतना जबरदस्त चीज तो मिस कर रही है। रहने दीजिए रहने दीजिए। One eternity later. अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मुझे लग गई है भूख, तो कुछ नाश्ता करना है। तो जिया सो रही है, तो चल कर जिया को उठाते हैं। जिया छोटा सा खुल गया है वो। जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता लगाओ, भूख लगी है। ये देखिए ये कभी भी रखा हुआ है, फिर उसके बाद जब हम खा लेंगे तो कहेगी मेरे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं, सारा खा लेते हैं। जैसे आप इसको खा लेंगे फिर आप क्या बोलना है? बोल देंगे कि एक उसी दिन खत्म हो गया था जब लाए थे। चुपचाप प्याज काटो, मैगी बनाओ, हम जा रहे हैं। ये रहा आपका मैगी, जल्दी से खा लो आप। ओहो बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये तो सर अकेले खा लोगे आप? खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कोई जरूरत नहीं है, खा के जल्दी से बताओ आप कैसा लगा। मजेदार है। नाइस सही में दीदी बनाई हुई है। वाह बस बनाई है ना। और क्या चल रहा है? सब्जी धो रहे हैं। लास्ट का पार्ट शूट नहीं करना है? तो जी बताइए कैसा लगा आपको हमारा यह व्लॉग। तो ज्यादा कुछ था नहीं दिखाने के लिए, ये हम मानते हैं। पिछले 3-4 दिनों से कुछ भी हमने मतलब शूट नहीं किया, जो भी थोड़ा बहुत कर सकते थे वो किया, और अब से कोशिश करेंगे कि प्रॉपर हम व्लॉग डालते रहे, डेली व्लॉग डालते रहे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक करें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले ताकि हमारा कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।